आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का रिव्यू करेंगे आज, मूवी नहीं किताब का बुक समरी देखेंगे दोस्तों कि नॉवेल में क्या क्या बताया गया है। हाल ही में दोस्तों एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च हुआ, काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, बहुत लोग बोल रहे हैं इस मूवी को बैन कर दिया जाए। लेकिन बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैंने ये नॉवेल पढ़ी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी दिखी नहीं। राहुल गांधी का नाम ही पूरी नॉवल में 3 से 4 बार आया है, बस इससे ज्यादा नहीं, शायद उतनी बार भी नहीं आया है। तो मैंने जब पूरी किताब पढ़ी तो मुझे कोई ऐसी कंट्रोवर्सी दिखी नहीं। हाँ, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच डिफरेंसेस क्या थे वो थोड़ा बताया गया है, और किस तरह से कभी कभी मनमोहन सिंह जी को प्रॉब्लम्स होती थी वो सब बताया गया। लेकिन ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जो इतना ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, ये सब चीजें मैं कवर करूंगा जैसे जैसे भी लेक्चर आगे बढ़ेगा, ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप मुझसे लेक्चर्स की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति सेल चालू है दोस्तों, 15 जनवरी तक ऑफर है, 60% सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है। अपनी ड्रीम जॉब्स निकालिए, इन कोर्सेज को अवेल करिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। इन नंबर्स पे कॉल करिए, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करिए। ये सारे चैप्टर्स हैं, टोटल दोस्तों 13 चैप्टर्स, और लास्ट है मनमोहन सिंह की लेगेसी, वो सब हम देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स का रिव्यू करेंगे। एक एक चैप्टर्स का मैं रिव्यू करूंगा दोस्तों, 6 चैप्टर पार्ट 1 में करूंगा और बाकी के 7 चैप्टर पार्ट 2 में करूंगा। मनमोहन सिंह की जर्नी बताई है कि कितनी ज्यादा उनको दिक्कतें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, और किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का, इन सारी प्रॉब्लम्स का, और इतना लंबा अपना प्राइम मिनिस्टर का टेन्यूअर जो है सक्सेसफुली कर पाए। हालांकि दिक्कतें बहुत हुई 10 साल में, कभी लेफ्ट परेशान कर रहा है, कभी बीजेपी परेशान कर रही है, कभी कांग्रेस वाले खुद परेशान कर रहे हैं, लेकिन डिगे नहीं। दोस्तों लास्ट चैप्टर मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, ठीक है। वैसे तो मुझे बेस्ट जो चैप्टर लगा है इस पूरी नॉवल का, वो द मनमोहन सिंह डॉक्ट्रिन, ये वाला चैप्टर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। कितने बढ़िया इनकी फॉरेन पॉलिसी थी और किस तरह से इन्होंने इतना बढ़िया सॉल्यूशन निकाला था जम्मू एंड कश्मीर का। परवेज मुशर्रफ से बात की और एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन हालांकि वो डेड एंड हुआ क्योंकि परवेज मुशर्रफ रहे ही नहीं, ठीक है, दूसरी अथॉरिटी आ गई वहां पे। तो वो मुझे ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा, इनके जो जो इनोवेशन था, जो इनका विजन था, कमाल का था। दूसरी चीज दोस्तों, लास्ट चैप्टर में जब संजय बारू अपनी पूरी नॉवल को कंक्लूड करते हैं और इनके टेन्यूअर को कंक्लूड करते हैं, तो वो एक चीज बोलते हैं। जसवंत सिंह ने, जो कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे बीजेपी में, जसवंत सिंह ने मनमोहन सिंह को शिखंडी बोला था, ठीक है। संजय बारू बोलते हैं कि अगर महाभारत के कैरेक्टर्स को हम कंपेयर करें तो मनमोहन सिंह जी शिखंडी नहीं है, मनमोहन सिंह जी सबसे बड़े वॉरियर भीष्म पितामह जैसे हैं। क्यों उन्होंने बोला था, भीष्म पितामह क्यों बोला था, वो हम देखेंगे लास्ट के चैप्टर में। तो पूरा एनालिसिस है और ये पूरा इनकी जर्नी को दिखाता है UPA 1 में जो हुई, 2008 तक ये बात करते हैं, उसके बाद ये बात नहीं करते हैं। तो संजय बारू कौन है, इन्होंने एक किताब लिखी है, मीडिया एडवाइजर रहे हैं मनमोहन सिंह के, और बहुत पहले से मनमोहन सिंह को जानते हैं, 1991 से मनमोहन सिंह जी को जानते हैं। इन्होंने इंटरव्यू लिया था मनमोहन सिंह का 1991, बड़ी फनी स्टोरी अभी आगे मैं बताऊंगा। इस बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है और काफी पढ़े लिखे इंसान है दोस्तों, FICCI के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हाल ही में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लिए काम कर चुके हैं। तो ये चीज है। अब दोस्तों जब इनको कॉल आया था PMO से और मनमोहन सिंह ने बोला कि तुम मेरे मीडिया एडवाइजर हो, तो संजय बारू ने इनसे पूछा था, मनमोहन सिंह से, कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं। तब मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि तुम मेरी आंख बन के रहो। बहुत ही अच्छे दोस्त थे संजय बारू और मनमोहन सिंह, और जब संजय बारू 2008 में छोड़ के गए मनमोहन सिंह को, पर्सनल रीजन थे, तो मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूं। दोनों ने हक किया, इमोशनल मोमेंट था, खैर वो मैं बाद में चैप्टर में बताऊंगा, अभी सारे राज नहीं खोलूंगा। तो फिलहाल हम अपने लेक्चर से मतलब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो पहला चैप्टर है, कॉल फ्रॉम PMO, संजय बारू बताते हैं कि एक दिन आराम से 28 मई की शाम को वो पार्टी कर रहे थे, 50 साल के हुए थे, संजय बारू का जन्मदिन था, एक कॉल आता है, कॉल किसका, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, सेक्रेटरी थे नायर मनमोहन सिंह के, और सीधा संजय बारू को बोला कि आपको मनमोहन सिंह जी से मिलने आना है। मीडिया में खबर फैल गई कि बहुत बड़ा काम देने वाले हैं मनमोहन सिंह जी संजय बारू को। अब ये सब क्यों हुआ दोस्तों, देखिए
इलेक्शन आ गए थे 2004 में, आपको पता ही है 1999 से लेकर 2004 किसकी सरकार थी, बीजेपी की। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस पूरी किताब में पैरेलली कंपैरिजन संजय बारू करते रहे हैं, ठीक है, बीजेपी से कंपैरिजन करते रहे हैं, इंदिरा गांधी से कंपैरिजन करते रहे हैं, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे ये पूरा कंपेयर करके पैरेलली बताते रहे हैं संजय बारू कि अभी क्या सिचुएशन है और उनके समय में क्या सिचुएशन थी। तो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस उन्होंने किया है। तो दोस्तों वैसे बता दो, मनमोहन सिंह की सेपरेट बायोग्राफी मैंने कवर की है दोस्तों, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए। तो दोस्तों ऐसा है कि इलेक्शन आ गए थे 2004, कांग्रेस जीत गई थी, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, हर कोई यही, सबको यही पता था कि सोनिया गांधी जो है वो बनेगी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सोनिया गांधी ने इसको नकार दिया। तभी तो ये बुक लिखी गई है ना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने कई बार उनसे बोला और सबसे बोलते थे कि वो तो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो बने, किस्मत को यही मंजूर था, आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह पीवी राव की गवर्नमेंट में, तो जब उसको छोड़ी, फाइनेंस मिनिस्ट्री पद को छोड़ा, उसके बाद ये सोनिया गांधी के साथ जुड़ गए, सोनिया गांधी के राइट हैंड थे, ये बताते हैं संजय बारू अपनी किताब में, तो बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रीजन ये था, संजय बारू बताते कि वो एक तो इटली की थी, तो हो सकता है ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता क्योंकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। दोस्तों यूपीए को 218 सीटें मिली थी, बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 272 से ज्यादा चाहिए, यही है ना कि लोकसभा की 543 सीटों को जीतने के लिए, 543 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए आपको 272 से ऊपर जाना है, उससे नीचे 50% से ज्यादा चाहिए, तभी तो आपके पास पूरी बहुमत होगी, उससे नीचे आपके पास बहुमत कहां है। तो आपको गठजोड़ की सरकार बनानी पड़ेगी ना, आपको कोलिशन बनाना पड़ेगा। आप किताब में ये बताते हैं कि इस कोलिशन में कितनी ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि दोस्तों 218 यूपीए मतलब कांग्रेस प्लस और जो उनके पार्टी के और जो उनकी पार्टीज थी, ठीक है, वो टोटल 218 सीटें जीती, लेकिन 59 सीटें किसको मिली, लेफ्ट को, सीपीआई मार्क्सिस्ट। अब दोस्तों संजय बारू ने सीपीआई को तो जम के घेरा है कि किस तरह से सीपीआई ने साजिश करनी शुरू कर दी थी कि मनमोहन को तो हमको पूरा टेन्योर कंप्लीट करने ही नहीं देना है 2005 के बाद। 2005 से यूएस न्यूक्लियर डील, इस पे बातचीत शुरू हो गई थी। अब भैया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, ये अमेरिका को कभी सपोर्ट करेगी क्या, नहीं करेगी ना, कम्युनिस्ट है। तो यहां पे भर भर के साजिशें की गई कि प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री, अगर मनमोहन सिंह के सबसे बेहतरीन डिसीजन की बात करें, और संजय बारू बोलते जो क्राउन ज्वेल, जो इनके एक कहते ना कि वो जो किंग्स क्राउन अगर मनमोहन सिंह को पहनाना पड़े तो वो एक पॉलिसी के लिए होगा, एक चीज के लिए होगा, जो इन्होंने न्यूक्लियर डील क्रैक की थी, वो कमाल का लैंडमार्क था। तो दोस्तों ये पूरे इलेक्शन ईयर्स थे, और ये जो डिसीजन था सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नहीं बनना, ये बहुत भारी पड़ गया मनमोहन सिंह पे। मनमोहन सिंह जी शुरू में बहुत ही दिक्कत हुई उनको, बता दूं संभालने में बहुत ही दिक्कत हुई। दोस्तों संजय बारू बताते हैं कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर तो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री आते थे और आप एक रिस्पेक्ट में, एक ऑनर में आप खड़े होते ना, प्रधानमंत्री जैसे ही आता है हर कोई खड़ा हो जाता, तो बहुत सारे मिनिस्टर जो है खड़े भी नहीं होते थे, बैठे रहते थे। तो काफी कुछ हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सबके साथ बैठा लिया था। तो अब दोस्तों संजय बारू को कॉल आया 28 मई की शाम को, इधर थे नायर, और मंडे को बुलाया, 28 मई को फ्राइडे था, मंडे को बुलाया कि मंडे को बेटा तुम ऑफिस आ जाओ, ठीक है। उसके बाद अब दिल की धड़कनें तेज की, अगला कदम क्या होगा। अब अगले कदम से आने से पहले इस चैप्टर में अपनी पूरी जर्नी बताते हैं संजय बारू कि मेरे और मनमोहन सिंह जी के रिश्ते अभी तक कैसे थे। तो संजय बारू बताते हैं कि 1991 में उन्होंने मनमोहन सिंह जी से मुलाकात की थी। क्यों मुलाकात की थी, यूजीसी के चेयरमैन थे, ठीक है, मनमोहन सिंह इंटरव्यू लेने गए थे, संजय बारू इकोनॉमिक टाइम्स के लिए काम करते थे। अब संजय बारू उनसे इंटरव्यू लेने गए, संजय बारू मनमोहन सिंह से मिले, मनमोहन सिंह जी उठे, बहुत ही शांत रहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बुक में बड़े मजेदार किस्से हैं। एक बार संजय बारू ये बताते कि मनमोहन सिंह जी इतने शांत रहते थे, एट टाइम्स इतने ज्यादा शांत रहते थे
कि अपने रिलेटिव से भी बात नहीं करते थे। एक बार वो कोलकाता से अमृतसर गए, अमृतसर में वहां पे अपने रिलेटिव से मिलने गए, तो उनसे भी उन्होंने बहुत ही कम बात की। तो जब सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई तो मनमोहन सिंह जी की पत्नी ने चीजों को संभाला, गुर शरण कौर। अब दोस्तों जो मिसेस कौर थी, संजय बारू बताते हैं कि जब भी वो घर जाते थे दोनों बुक पढ़ते रहते थे। हालांकि बता दूं कि मिसेस कौर जो थे वो बिल्कुल अपोजिट थी मनमोहन सिंह की, वो काफी बात करती थी तो इनके बिहाफ पे वो एड्रेस करती थी। तो मनमोहन सिंह वॉज ऑलवेज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। दोस्तों उनका इंटेलेक्ट कमाल का था, एजुकेशन कमाल, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन थी दोस्तों, वो आप उनकी बायोग्राफी में देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरा कवर किया है कि उनका जो करियर था वो किस तरह का था, गोल्डन करियर रहा था दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए, और कमाल का वो उन्होंने एलपीजी जो लेके आए। तो संजय बारू बताते हैं कि वो बहुत ही जबरदस्त उनका था, इसीलिए वो शांत भी थे लेकिन बहुत ही कम बोलते थे। तो जब संजय बारू मिलते हैं उनके इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए, तो मनमोहन सिंह चुपचाप बैठे रहते हैं, उठते हैं, हाथ मिलाते हैं बहुत ही मीठी आवाज में। उसके बाद जब पूरा इंटरव्यू खत्म होता है तो मनमोहन सिंह पेन उठाते हैं और एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि जब तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट हो तो ये पैराग्राफ उसमें होना चाहिए। उस पैराग्राफ में ये था, एक पूरा वो पेज था, मतलब उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने ये लिखा था कि किस तरह से साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को खोला है, ट्रेड बढ़ाया है और एजुकेशन के सेक्टर में कितना बढ़िया काम किया है, ये जरूर ऐड करना। तो संजय बारू जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन जब इकोनॉमिक टाइम्स का ड्राफ्ट पब्लिश होके आता है, इससे पहले संजय बारू उस ड्राफ्ट को खोलें, देखिए उसमें क्या है। इधर मनमोहन सिंह जी का कॉल आ जाता है। मनमोहन सिंह जी संजय बारू से बोलते हैं, फटकारते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि जो मैंने पैराग्राफ तुमको लिख के दिया था वो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश करना, मेरे पूरे इंटरव्यू को तो तुमने छाप दिया है, वो ड्राफ्ट किधर है। संजय बारू कुछ बोलते ही नहीं। तो यहां पे संजय बारू को शांति से डांट खानी पड़ी थी, क्योंकि भैया बहुत ही पोलाइट थे मनमोहन सिंह, तो चुपचाप सुनना पड़ा था। तो संजय बारू के जो ये थोड़े रिलेशन थे मनमोहन सिंह जी से खराब हो गए थे। अब ये जो रिफ्ट है ये थोड़े साल तक कंटिन्यू रहा, क्योंकि दोस्तों 1991 में नरसिम्हा सरकार आ गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी पे भी मैंने पूरा उनकी बायोग्राफी कवर की है, आप देख लीजिएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आ गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी ने पूरी तरीके से अथॉरिटी मनमोहन सिंह जी को दे दी थी, इसमें भी पूरी बात करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी, संजय बारू बताते हैं इस किताब में कि मनमोहन सिंह जी क्रिटिसिज्म को इतना पॉजिटिव कभी कभी तो लेते थे लेकिन बहुत टाइम ले भी नहीं पाते थे। मनमोहन सिंह जी ने 3 बार रेजिग्नेशन की पेशकश की थी, और इस सरकार में भी यूपीए 1 में भी उन्होंने रेजिग्नेशन की पेशकश की थी, ठीक है। तो क्या है कि जब वो बजट प्रपोज करते हैं, तो अब दोस्तों आपको पता ही है कि 1991 में हमारी इकोनॉमी खोल दी गई थी, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो है वो तो कुछ तो इनसे सहमत थे लेकिन कुछ लोग इनके सहमत नहीं थे। तो इसमें इकोनॉमिक टाइम्स भी जो था वो कुछ चीजों पे सहमत नहीं था मनमोहन सिंह जी से। तो मनमोहन सिंह जी का जो ये रिफ्ट था संजय बारू से, ये कंटिन्यू रहा कुछ सालों तक। लेकिन एक बार वो इंटरव्यू लेने गए, मनमोहन सिंह जी का दोबारा इंटरव्यू लेने गए, बड़ा ही कांप रहे थे, डर रहे थे संजय बारू, लेकिन मनमोहन सिंह ने सारी चीजों को भुला के उनको इंटरव्यू दिया और बहुत ही अच्छे से बात की। उसके बाद फिर अगले दिन मनमोहन सिंह जी ने उनको डिनर पे बुलाया संजय बारू को। तो जब संजय बारू डिनर पे गए तो वो बताते हैं कि जैसे ही मैं 5-star होटल में वो डिनर था, और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा 5 सीटें लगी हुई थी, 5 लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर सिंह थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया थे जो कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बाद में नियुक्त हुए, उनकी वाइफ ईशर, और शोभना भारती जो कि चेयरपर्सन थी हिंदुस्तान टाइम्स की। मैं भी चुपचाप गया वहां पे बैठा और उसके बाद उनसे बात की, और तब मुझे पता चला कि मनमोहन जी जो हैं वो बड़े ही सज्जन है। बहुत पहले से ही पता था लेकिन यहां पे उनको पता चल गया कि कितने सिंपल इंसान है। और दोस्तों आपको बताया कि मनमोहन सिंह भले ही बहुत ज्यादा क्वाइट थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मस्ती नहीं करते थे, ह्यूमरस थे वो, एट अ टाइम्स मुस्कुराते थे, उनको कोई भी बात अगर अच्छी लगती थी तो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते थे। एक बार संजय बारू बताते हैं कि एक बार बैंकॉक में, मतलब वो थे, ठीक है, तो बैंकॉक में, क्योंकि सिंस ये मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन सिंह जी के, तो उनको एक मीटिंग को एड्रेस करने जाना था मनमोहन सिंह जी को। तो संजय बारू बोलते हैं मनमोहन सिंह जी से कि सर चलिए तैयार हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। तो मनमोहन सिंह जी बड़े ही ऐसे एकदम सीना तान के और एकदम हंस के जवाब देते हैं कि शेर कभी अपने दांत मांजता है क्या। तो ये एकदम उनका लाइट ह्यूमर था दोस्तों, तो ये चीज थी। और उसके बाद यहीं से ही फिर दोस्तों इनकी जो फ्रेंडशिप है 1991 से, ये हमेशा कंटिन्यू रही और 2008 तक ये चलने वाली थी। दोस्तों यूपीए 1 तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था,
लेकिन यूपीए 2 इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था. वो क्यों नहीं हुआ था वो भी संजय बारू ने उसका भी पूरा एनालिसिस दिया है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे. तो जब यूपीए 1 एंड हुआ उसके बाद कुछ तबीयत भी बिगड़ी मनमोहन सिंह जी की, और संजय बारू भी मनमोहन सिंह जी को छोड़ के क्या मतलब, कुछ पर्सनल रीजंस थे उसकी वजह से संजय बारू जो थे उन्होंने क्विट कर दिया था. तो मनमोहन सिंह जी संजय बारू को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ, ठीक है, मेरे साथ वापस आ जाओ. क्योंकि इतने साल जब उन्होंने काम किया, 5 साल तक रहे थे संजय बारू और मनमोहन सिंह साथ साथ, मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा भरोसा करते थे संजय बारू पे, शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते थे. तो ये कमाल की चीज थी. अब दोस्तों तीसरा चैप्टर है जो कि बड़ा ही जबरदस्त है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मनमोहन सिंह का पीएमओ. मुश्किल थी इतने लोगों को साथ में लेके चलना, कोलिशन गवर्नमेंट, सोनिया गांधी वर्सेस मनमोहन. दोस्तों यहां पे दो पावर थी, यहां पे बताना चाहता हूं. सोनिया गांधी, अब मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सोनिया गांधी की, ये संजय बारू खुद बताते हैं, मैं मेरे वर्ड्स नहीं है दोस्तों, नॉवेल्स में लिखे हुए हैं पूरे. मैक्सिमम मिनिस्टर जो थे वो सोनिया गांधी की लल्लो चप्पो करते थे, ठीक है, सोनिया गांधी को खुश करने की कोशिश करते थे ताकि उनको पोर्टफोलियो मिले. अच्छा दोस्तों क्या है कि यहां पे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश की थी, ठीक है, एनएसी जिसको बोला गया था, एनएसी ये पूरा सोनिया गांधी देख रही थी. सोनिया गांधी वैसे भी पार्टी प्रेसिडेंट थी, तो यहां पे पावर जो थी वो दो थी. सोनिया गांधी काफी मुद्दों पे एडवाइज भी करती थी मनमोहन सिंह पे, और यहां पे ये भी बताते संजय बारू कि जिस तरह से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है कि इतने ज्यादा मतभेद थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हां मतभेद थे, कुछ पॉलिसीज पर मतभेद थे. तो यहां पे सोनिया गांधी को मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा, ताकि उनको अच्छी पोजीशंस मिल सके. अब इसमें कुछ मिनिस्टर्स मनमोहन सिंह के बिल्कुल खिलाफ चले गए थे, ठीक है, मनमोहन सिंह के कुछ पेपर्स लीक कर, कुछ लेटर्स लीक कर दिए थे, कुछ एसएमएस लीक कर दिए थे. अब दोस्तों क्या है कि मंडे आ गया, ठीक है, 2004 का मंडे, मई, 28 मई के बाद जो उसके बाद मंडे आया था, मतलब 31 तारीख, ठीक है. तो अब 31 तारीख को क्या है कि संजय बारू जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, उनके पीएमओ, ठीक है. अब जो उनका पूरा ऑफिस है वो 7 RCR जिसको रेसकोर्स बोलते हैं, दिल्ली में था, ठीक है. अब बताते हैं संजय बारू पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती थी 7 RCR में. दो गेट होते थे, पहले गेट आप पार कर जाइए, लेकिन दूसरे गेट पे वही लोग पार कर देते थे जो या तो बहुत बड़े मिनिस्टर्स होते थे या बहुत बड़ी अथॉरिटीज होती थी, बहुत बड़े ऑफिशियल्स होते थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे, या कोई फॉरेन डिग्नेटरीज होती थी, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते थे. तो संजय बारू जाते हैं, ठीक है, दूसरे गेट को भी पार करते हैं 7 RCR में, रेस कोर्स में. उसके बाद मनमोहन सिंह जी बैठे रहते हैं, एक चेयर उनके लेफ्ट में होती है, संजय बारू चुपचाप लेफ्ट पे बैठ जाते हैं. इससे पहले मनमोहन सिंह जी जैसे ही संजय बारू को देखते हैं कि ये आ रहा है, एक हल्की सी भीनी भीनी मुस्काइल स्माइल, वाह क्या बात है, इंग्लिश बोल दी मैंने, स्माइल देते हैं, ठीक है, मुस्कान देते हैं, और फिर पता चल जाता है संजय बारू की मनमोहन सिंह बहुत ही अच्छे मूड में है. तो यहाँ पे लेफ्ट पे बैठ जाते हैं. उसके बाद फिर संजय बारू बोलते हैं कि सर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी बताते हैं कि तुम मेरी आंखें बनो. उसके बाद एक दोस्तों बताना चाहता हूँ, शारदा प्रसाद जो थे वो इंदिरा गांधी के मीडिया एडवाइजर थे, बहुत ही जबरदस्त, वो भी डिप्लोमैट थे. तो शारदा प्रसाद को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं संजय बारू, शारदा प्रसाद से टाइम टू टाइम वो एडवाइस लेते रहते हैं. तो इससे पहले दोस्तों कि ये मीडिया एडवाइजर की पोस्ट संभाले मनमोहन सिंह की, इन्होंने शारदा प्रसाद से भी कंसल्ट किया था कि मुझे क्या करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन एडवाइजर का रोल क्या होता है. तो शारदा प्रसाद ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई कि संजय बारू जी जो है वो मीडिया एडवाइजर हो गए, इन्फॉर्मेशन एडवाइजर हो गए मनमोहन सिंह के, ढेर सारे फोन आने लगे. और बहुत लोगों ने तो ये भी बोल दिया था, इवन संजय बारू के मुंह पे बोल दिया था कि बेटा तुम बहुत दिन चल नहीं पाओगे क्योंकि यहां पे ना दो पावर्स हैं, मुश्किल होगा मैनेज करना कि इधर जाना है कि उधर जाना है. लेकिन संजय बारू ने इन चीजों को नकारा, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इतना कोई करना नहीं है. जो प्राइम मिनिस्टर का पीएमओ था, मतलब जो मनमोहन सिंह का पीएमओ था, वो दोस्तों उन्होंने तीवे डिवाइड कर दिया था. वैसे बता दूं दोस्तों कि इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था, मतलब अपने ऑफिस को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था. इन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, फिर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया. तो संजय बारू खुद भी कहते हैं कि इन्होंने अपने लिए टेंशन ले ली थी और काफी दिक्कतें हो गई थी, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या हुआ था कि मिनिस्टर्स के पास इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि बहुत सारे मसलों पे वो मनमोहन सिंह जी से कंसल्ट ही नहीं करते थे. तो ये सब बताते हैं. अब दोस्तों अगर पीएमओ की बात करें तो यहां पे तीन डिविजन्स हुए. तीन डिविजन क्या थे? सबसे पहले इसमें बने एनएसए,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी बताऊंगा दोस्तों ये इसकी क्या कहानी है पूरी। ये भार दिया गया जे एन दीक्षित को, ठीक है, जो कि गजब के आईएएस ऑफिसर थे दोस्तों, आईएफएस इनफैक्ट, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे ये संजय बारू को, संजय बारू के, और काफी चीजों पे ये सहमत होते थे। जे एन दीक्षित और संजय बारू का दोस्ताना बड़ा ही, इन्होंने काफी किस्से बताए कि जब ये फॉरेन सेक्रेटरी थे तो हम काफी गलियों में भी घूमे हैं और साथ में अच्छा हैंगआउट, अच्छा वक्त बिताया है। दूसरे जो थे वो थे टी के नायर, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक एम के नारायणन, दोस्तों तीनों मलयाली थे, ठीक है, और ये स्पेशल एडवाइजर टू इंटरनल सिक्योरिटी थी। एम के नारायणन ने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी की। अब कैसे खड़ी की, वैसे बता दूं कि जे एन दीक्षित इन तीनों में डोमिनेंट थे। अब दोस्तों एनएसए के ऊपर आते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर आते हैं। मैं जरा बोर्ड साफ कर देता हूं एक मिनट। एनएसए की बात करें दोस्तों, ठीक है, एनएसए की बात करें तो यहां पे ये 1998 में पोस्ट एस्टैब्लिश हुई थी। अब यहां पे संजय बारू एक इंसान का नाम लेते हैं, ब्रिजेश मिश्रा, जो कि 1998 में एनएसए थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। यहां पे दोस्तों पोस्ट का बंटवारा हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग, एनएसए अलग। प्रिंसिपल्स जो एनएसए थे वो जेएन दीक्षित बन गए मनमोहन सिंह की सरकार में। जेएन दीक्षित का जो मिडिल नेम था वो मनी था, तो संजय बारू और जेएन दीक्षित बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो संजय बारू उनको मनी मनी बोलते थे। तो इस पूरी नॉवल में मनी दीक्षित भी कई जगह कोटेड है। तो दोस्तों अब क्या था कि यहां पे ब्रिजेश मिश्रा जो थे उनका नाम पूरी नॉवल में चलता है। ब्रिजेश मिश्रा पॉलिटिक्स उनकी जीन्स में थी और जबरदस्त डिप्लोमेट थे और गजब का उनका स्टैचर था और उनको पता था कि पावर को हैंडल कैसे करना है। मनमोहन सिंह जी यहां पे चूक गए। यहां पे दोस्तों क्या है कि जेएन दीक्षित उनका एक अलग स्टैचर था, ठीक है, वो इनका एक अलग नजरिया रहता था पॉलिसीज को लेके, ठीक है, और इसी वजह से उनके मिनिस्टर से भी रिफ्ट रहते थे, उनके सेक्रेटरी से भी रिफ्ट रहते थे इस चीजों को लेके, ठीक है, और कभी कभी संजय बारू के से भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होता था। तो यहां पे कभी कभी इनके सेक्रेटरी जो हैं वो भिड़ जाते थे, आपस में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते थे दोस्तों। मनमोहन सिंह जी की प्रेजेंट में एक बार दोनों आपस में भिड़ गए थे, एम के नारायणन और मनी दीक्षित। एम के नारायणन ने सीधा सीधा बोला, एम के नारायणन जो कि एडवाइजर थे इंटरनल सिक्योरिटी पे, वो चाहते थे कि उनके पास ज्यादा ताकत आए, रॉ आईबी ज्यादा ताकत आए, ताकि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन पे जासूसी की जाए। मनमोहन सिंह भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे और ये ना हो, लेकिन एम के नारायणन ऐसा चाहते थे और बड़ी दिक्कत हुई। हालांकि बाद में वो एनएसए बन गए एम के नारायणन, ठीक है। तो यहां पे पावर स्ट्रगल जो है ब्यूरोक्रेट्स में शुरू हो गई और एक बार एम के नारायणन और दीक्षित भिड़ गए और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। सीधा सीधा एम के नारायणन ने बोला कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम्हारी कोई पॉलिसी नहीं है, तुम जाओ यहां से। मनी दीक्षित ने बोला कि तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड जॉब का। मनमोहन सिंह जी की प्रेजेंस में यह सब हो रहा था। मनमोहन सिंह सुनते गए, गुस्से से उठे, दोनों को घूरा, चले गए। यहां पे संजय बारू को पता चल गया था कि मनमोहन सिंह जी ऐसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं, वक्त आने पे वो गुस्साएंगे। लेकिन फिर भी संजय बारू ये बोलते हैं कि उस हिसाब से मनमोहन सिंह जी मैनेज नहीं कर पा रहे थे इन ब्यूरोक्रेट्स को जिस हिसाब से करना चाहिए था, क्योंकि अक्सर जो है ये रिफ्ट जो है, ये आर्ग्यूमेंट जो है होते रहते थे। दूसरे थे एक और ब्यूरोक्रेट पुलक चैटर्जी जो थे वो भी एक ब्यूरोक्रेट थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ये सोनिया गांधी के करीबी थे, सोनिया गांधी मीडिएटर थे ये बेसिकली, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के बीच में मीडिएटर थे, जो मैसेजेस एक्सचेंज होते थे वो पुलक चैटर्जी करते थे। तो पुलक चैटर्जी लेफ्टिस्ट थे। अब लेफ्टिस्ट मनमोहन सिंह जी किसकी तरफ झुकने लगे थे, अमेरिका की तरफ, मनमोहन सिंह जी इनके रडार में, सीधा सीधा। तो दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी उस लेवल पे ये दिक्कतें नहीं गई जिस लेवल पे जानी चाहिए थी, चीजों को संभाल लिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि संजय बारू भी कभी कभी अकेला फील करते थे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे कभी कभी इनको टॉन्ट मारते रहते थे कि तुम ज्यादा टिक नहीं पाओगे। और मनमोहन सिंह जी भी ये चाह रहे थे कि संजय बारू जो है वो सेक्रेटरी बन जाए उनके पर्सनल, ठीक है, और सर गवर्नमेंट सेक्रेटरी बन जाए तो ये बहुत ही सही रहेगा। लेकिन और संजय बारू से बोला भी था मनमोहन सिंह जी ने कि मैं तुमको प्रमोट कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जो ये नहीं देखना चाहते थे कि संजय बारू ऊपर जाए। उसके बाद अब किस तरह से कोलिशन को मैनेज किया, अब दोस्तों यहां से दिक्कतें शुरू हो गई। कोलिशन की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की सीपीआई लेफ्ट ने। देखिए ऐसा है कि संजय बारू बोलते हैं कि लेफ्ट जो है वो हमेशा से ही एक खतरनाक खेल खेलती रही है। सबसे पहले तो उन्होंने 1979 में तख्ता पलट किया था जब उन्होंने मुरारजी देसाई को हटा दिया था और चौधरी चरण सिंह को लेके आ गए थे।
उसके बाद फिर उन्होंने देवे गौड़ों को हटा दिया था, आईके गुजराल को लेके आ गए थे। प्राइम मिनिस्टर्स को बदलने में सीपीआई लेफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरे हर किशन सुरजीत जो थे वो सेक्रेटरी थे सीपीआई एम के, जब तक वो थे तब तक तो सब कुछ सही था, और मनमोहन सिंह प्रो थे वो, मतलब काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, दोनों सरदार थे और काफी अच्छी दोनों की फ्रेंडशिप थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और सीताराम येचुरी भी मनमोहन सिंह को काफी मुद्दों पर सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही दोनों गए, फ्रिंदा कारत आई, दिक्कतें शुरू होनी ही थी। 59 सीट्स थी, 59 एमएलएस थे जो सपोर्ट कर रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार को, प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। जैसे ही अमेरिका की तरफ झुकना शुरू हुए मनमोहन सिंह जी, और अमेरिका जो न्यूक्लियर डील थी वो पूरा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सीपीआई लेफ्ट ने दिक्कतें खड़ी करनी शुरू कर दी। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पे भी यहां पे डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेके सीपीआई दिक्कत करने लगी। लेकिन फिर अल्टीमेटली सबको समझ में आ गया, दोस्तों इसी की वजह से ही तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था ना, वो क्या है, खैर वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि वो पूरा क्या है, ठीक है। एक यहां पे इवेंट ऐसा और है जो पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ ये पढ़ के, जब पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई थी। दोस्तों सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी काफी मुद्दों पे सहमत नहीं भी होते थे। देखिए ऐसा था ना कि सोनिया गांधी जी प्रोजेक्ट कर रही थी कि वो गरीबों की मसीहा है, और मनमोहन सिंह सिंस वो इकोनॉमिक्स में पूरा थे और बिजनेस पॉलिसीज बनाते थे, तो यहां पे मनमोहन सिंह को ये बोला जा रहा था कि ये बहुत ही प्रो बिजनेस वाले हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट माइंड के हैं। तो दोस्तों ऐसा था कि अगर कुछ अच्छा हो रहा था तो वो सोनिया गांधी, और कुछ भी बुरा हो रहा था तो मनमोहन सिंह, तो ये दिक्कत हो रही थी। यहां पे एक इंसिडेंट ऐसा है कि जब पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई तो उनकी फैमिली ये चाहती थी कि उनका जो पूरा दाह संस्कार है और उनकी जो उनको जो दफना मतलब जो जो ये जो पूरा उनका लास्ट फ्यूनरल हो वो वहीं पे ही हो जहां बड़े बड़े लीडर्स का होता है, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वहीं पे ही हो। लेकिन ऐसा कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी। अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के करीबी थे, उन्होंने संजय बारू से सीधा बोला कि आप जो हैं वो इनके बच्चों को ये कन्विंस करवाइए कि ये हैदराबाद में ही फ्यूनरल करें। और उसके बाद दोस्तों पता ही है कि पीवी नरसिम्हा राव जी की जो शव था उनका, वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स भी नहीं मतलब लाने दिया गया था। तो ये मैंने आपको बताया था पीवी नरसिम्हा राव जी की जब उनकी बायोग्राफी कवर की थी, और इस नॉवेल में भी यही लिखा है। दूसरी चीज दोस्तों, करप्शन। देखिए ऐसा है ना कि करप्शन की अगर बात करें, मनमोहन सिंह जी खुद तो बहुत ही ज्यादा प्योर इंसान थे, बिल्कुल इनकरप्टेबल थे, लेकिन उनका यह मानना था कि मैं हर किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हर किसी का खुद का कॉन्साइंस होता है, खुद को उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। तो यहां पे ये बात संजय बारू बोलते हैं कि उनको मतलब वो खुद तो बहुत ही ज्यादा इनकरप्ट थे, कोई कभी भी बहुत ही ज्यादा वो देश के लिए समर्पित थे, लेकिन जो बाकी के मिनिस्टर्स कर रहे थे उन पे नकेल कसने पे वो नाकामयाब रहे। और वो उनका यही मानना था कि हर किसी को अपने कॉन्साइंस अपने अंदर झांक के देखे और उस हिसाब से वो फैसला करे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा मनमोहन सिंह जी चूक गए। उसके बाद दोस्तों अब यहां पे जैसा कि ये सब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने ये दो पोस्टें जो है वो क्रिएट कर दी थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली क्या थे कि इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लाना था, और उसके बाद एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन दोस्तों इन दोनों में आते गए मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट्स एक टाइम पे तो ये 60 से ज्यादा चले गए थे। और जैसा कि मैंने बताया था ना कि इतनी खराब कंडीशन आ गई थी कि कई मुद्दों पे मनमोहन सिंह जी से पूछा ही नहीं जाता था और फैसले ले लिए जाते थे। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन आ गई थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन स्टिल मनमोहन सिंह इन सबको मैनेज करने में कामयाब रहे। दूसरी चीज ये थी दोस्तों कि बहुत सारे मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह को जूनियर मानते थे, जैसे प्रणब मुखर्जी के अंडर पहले मनमोहन सिंह काम करते थे, ठीक है भैया। मनमोहन सिंह तो आरबीआई गवर्नर थे, प्रणब मुखर्जी से पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, तो और अब प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह के नीचे काम कर रहे थे, तो यहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक चीज और बता दूं कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के जो डिफरेंसेस थे वो पॉलिसीज पे होते थे, ऐसे कोई मतभेद नहीं थे और हर पॉलिसी पे होते भी नहीं थे, ये भी बता दूं। उसके बाद जूनियर वर्सेस सीनियर्स, बहुत सारे जूनियर्स ये कह रहे थे कि सीनियर्स हम पे आधिपत्य जमाते हैं, ठीक है। और तो फिर मनमोहन सिंह ये बोलते थे, जूनियर्स को आश्वासन दिया और जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये बोला, सब संजय बारू ने दोस्तों अपनी किताब में बताया है कि ये सीनियर्स ने बोल मनमोहन सिंह ने अपने सीनियर्स को बोला और जूनियर्स को भी बोला कि आपको ज्यादा काम मिलेगा, और सीनियर्स को बोला कि आप भाई ज्यादा काम दो, अच्छे से ये पूरा बैलेंस करके चलो, हमको देश चलाना है। तो दोस्तों वीक प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो
मनमोहन सिंह जी को करना होता था वो करते थे। आपको एक चीज बताता हूं, एक बार क्या हुआ था कि मनमोहन सिंह, ये एंटी मनमोहन कैंपेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी जब न्यूक्लियर डील चली थी, ठीक है। तो एक बार मनमोहन सिंह अकेले बैठे हुए थे, बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे अपने अपने लिविंग रूम में। तो संजय बारू आए, संजय बारू ने देखा कि बड़े उदास बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही नम आवाज में बोला कि क्या मैं इन्हीं सब के लिए प्रधानमंत्री बना था, क्या यही सब चीजें मुझे झेलनी थी। संजय बारू को पता चल गया कि प्रधानमंत्री का मूड ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनको चीयर करने की कोशिश की। आडवाणी के जोक्स मारते थे संजय बारू जब भी प्रधानमंत्री का मूड खराब होता था, तो वो टिकल कर देता था, हल्की सी स्माइल कर देते थे मनमोहन सिंह। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, और रिफ्ट दोस्तों स्टार्ट हुई थी दोस्तों इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नेटवर्क सिंह, तो उनके और मणि दीक्षित के बीच में भी काफी दिक्कतें हो गई थी। तो एक बार क्या हुआ था दोस्तों कि ऐसा खबरें, मतलब पेपर में ये चीजें लीक हो गई थी और खबरें चल गई थी कि के नेटवर्क सिंह को हटाया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे प्रणॉय रॉय जो थे हेड ऑफ एनडीटीवी ने, उन्होंने ये खबर चला दी थी। मनमोहन सिंह ने उनको फोन किया और कस के फटकार लगाई, तुम ये सब झूठ क्या बोल रहे हो, मुझे तोड़ने की कोशिश मत करो, फलाना फलाना काफी कुछ बोला। तो यहां पे संजय बारू को बाद में प्रणय रॉय ने बताया कि यार पहली बार मुझे इतनी खतरनाक डांट मिली है, ऐसा लग रहा था कोई हेडमास्टर मुझ पे चिल्ला रहा हो। तब मनमोहन सिंह जी वो करते थे जो उनको करना होता था, बिल्कुल भी वीक प्राइम मिनिस्टर वो नहीं थे। उसके बाद दोस्तों अब ब्रांडिंग की बात करें, छठा चैप्टर है ब्रांड मनमोहन की, किस तरह से संजय बारू इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज करते थे। दोस्तों बताना चाहता हूं कि जैसे ही मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उनको एड्रेस करना था जून में, उनको पार्लियामेंट को एड्रेस करना था, लेकिन बीजेपी उनको करने ही नहीं दे रही थी, मुश्किल था दोस्तों, उनको ढेर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस करनी थी, तो यहां पे दिक्कतें थी। तो ये संजय बारू का पूरा प्रॉपर काम होता था कि कहां पे कैमरा लगेगा जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, और हर सवाल के क्या क्या मनमोहन सिंह जी जवाब देंगे, तो ये सारी चीजें बोली थी। दोस्तों क्या हुआ था कि बता दूं कि पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ था कि जब प्रधानमंत्री आए थे, मनमोहन सिंह ने ओथ सेरेमनी और उसके बाद अपना कार्यभार संभाला था, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंट्रोड्यूस तक नहीं हुआ था, ये सब लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद प्रेस, देखिए शारदा प्रसाद ने ये ऑलरेडी बता दिया था, एडवाइस दी थी संजय बारू को कि ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो ब्रांडिंग इनकी प्रॉपर करना। संजय बारू मनमोहन सिंह जी की स्पीचेस लिखते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते थे। बताते संजय बारू की जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो 52 क्वेश्चन दागे गए थे और 51 के उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिए थे और हम बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन डिनर हुआ था तो ये खुशी हम लोग ने खूब जाहिर की थी। एक क्वेश्चन खाली वो नहीं बता पाए थे, स्पिन डॉक्टर उनको पता ही नहीं था कि ये वर्ड क्या है, तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या थी दोस्तों कि मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे, तो इसीलिए संजय बारू का रोल और ज्यादा अहम हो जाता था कि किस तरह से इनको प्रोजेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें थी। एक चीज और, नेहरू ने ट्रेंड एस्टैब्लिश किया था कि वो हर जितने भी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे टच में रहेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये ट्रेंड को आगे, इसको क्या कहते हैं कि उसको किया, मतलब आगे बढ़ाया, चीफ मिनिस्टर्स को ये लेटर्स लिखते थे ताकि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, भले ही बीजेपी का हो, भले ही कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, लेकिन वो लेटर्स लिखते थे और उनको जो है वो बताते थे, ठीक है। वैसे संजय बारू का दोस्तों काम क्या था, सिंस वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर थे, मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन सिंह के, तो वो सुबह जैसे ही आते थे मनमोहन सिंह को बताते थे कि आज की टॉप हेडलाइंस क्या है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये सारी जानकारी जो है वो मनमोहन सिंह को देते थे। उसके बाद क्या था कि मनमोहन सिंह भी हर किसी से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चाहते थे कि वो हर किसी से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहे, इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए वो संजय बारू की एडवाइस भी लेते रहते थे। और ये लेटर्स का जो आइडिया था, ये तो खैर मनमोहन सिंह को पता ही था कि अगर हम सही से नहीं चलेंगे तो फिर हम टिक नहीं पाएंगे, तो ये हर किसी को लेटर भेजते थे। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल थे मनमोहन सिंह, मारुति 800 में आते थे, जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एमएलए जो होते थे, बड़े बड़े क्या, छोटे छोटे एमएलए भी बड़ी बड़ी गाड़ी में आते थे, यहाँ पे ये मारुति 800 में आते थे, तो इनकी सिंप्लिसिटी को क्या कहने, बहुत ही लॉयल थे और बहुत ही ऑनेस्ट इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा है। दोस्तों ऐसा था ना कि यहाँ पे ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जब यूनाइटेड नेशंस गए थे, ठीक है, असेंबली में एड्रेस किया था, तो वहां पे भी संजय बारू ने काफी स्पीचेस, मतलब उन काफी हेल्प की थी स्पीचेस में, ठीक है, और भी लोगों ने, बहुत लोगों ने हेल्प की थी। फिर उसके बाद उनको अमेरिका के कांग्रेस को एड्रेस करना था,
विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 3000 पेज की स्पीच थी मनमोहन सिंह की और इतना ज्यादा राउंड ऑफ अप्लॉज हुआ था, 33 से 34 बार हर मिनट पे तालियां बज रही थी और जब मनमोहन सिंह आए थे तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो इस तरह था कुछ मनमोहन सिंह का नाम। तो जो बोलते हैं कि वीक प्राइम मिनिस्टर थे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही एफिशिएंटली इन्होंने यूपीए 1 को हैंडल किया। तो दोस्तों बाकी के चैप्टर्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।